सही एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत। हम नेक्स्ट अगला वीडियो पढ़ रहे हैं, उस वीडियो देखेंगे। इसमें भारत के संविधान की विशेषताएं, जो चैप्टर चल रहा था तो उसमें उन्होंने भारत के संविधान की विशेषताएं तो पढ़ ली थी, अब पढ़ेंगे हम प्रस्तावना का विस्तृत रूप। प्रस्तावना का विस्तृत रूप। प्रस्तावना का विस्तृत रूप, देखिए प्रस्तावना जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली कहा है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली कहा है। राजनीतिक कुंडली कहा है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि संविधान की राजनीतिक कुंडली किसको कहा जाता है, तो ये किसने कहा था, तो के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक कुंडली की संज्ञा किसने दी, के एम मुंशी ने। कई बार पूछ लेते हैं परीक्षा में ये प्रश्न, तो आप बता देना संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, आपका उत्तर होगा के एम मुंशी ने। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है, उसके विस्तृत रूप की बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जनतंत्रात्मक लोक गणराज्य बनाने के लिए विश्वास, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार न्याय की व्यवस्था करके अंगीकार अधिनियम में अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंतर्गत जो भी शब्द हैं उनको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि भारत का संविधान प्रभुसत्ता, भारत का संविधान जनता के हाथ में यानी कि जनता के द्वारा निर्मित किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि अंतिम शक्ति हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग यानी कि संविधान को बनाने वाली जनता है, अंतिम निर्माता जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि हम बाहरी और आंतरिक दृष्टि से, आंतरिक और बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि जनता का शासन, लोकतंत्रात्मक मतलब जनता के शासन के बाद हम पढ़ेंगे गणराज्य का मतलब होता है जहाँ का राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता हो तो उसे गणराज्य कहा जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं है, अर्थात निर्वाचित होता है, इसका चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि अपन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन किस रूप में लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में। अब ये बताओ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें जनता सीधे डायरेक्ट रूप से भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव उसको कहते हैं जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेकर किसी के माध्यम से भाग लेती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि उसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग लेती है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि उसका चुनाव पंचों के द्वारा होता है, और पंचों किसने चुना, हमने चुना। तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब किसी अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करें तो उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे जिला उप प्रमुख, उप प्रधान, उप सरपंच वगैरह, इनके चुनाव इसी प्रकार होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव भी एक अप्रत्यक्ष विधि से ही होता है जिसमें जनता भाग लेती है लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो गणराज्य का मतलब होता है कि जिस राष्ट्र का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति वगैरह या फिर राजा सम्राट जो भी है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि विश्वास, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के साथ यहाँ तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था भी की गई है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। पहला न्याय है आर्थिक न्याय, दूसरा है सामाजिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक
न्याय। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक न्याय की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का समावेश किया गया है और आर्थिक न्याय को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सके, न्यूनतम उसको मजदूरी मिल सके, अपनी रोजी रोटी का वो जुगाड़ कर सके, यानी कि कम से कम उसको न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होने और अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी प्रकार से कर सके। तो आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान में काफ़ी प्रयास किए गए हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्वों के रूप में भी इसका समावेश किया गया है। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जैसे समान काम के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करना, इस पर आजीविका कमाने के साधन उपलब्ध होना, रोजगार के अवसर देना, ये सब चीज़ें इसी आर्थिक न्याय में आती हैं और इनकी सब की व्यवस्था हमारा भारत का संविधान कर रहा है। आर्थिक न्याय का मतलब ये भी नहीं होता है कि सब लोगों को बराबर वेतन दे दिया जाए, क्योंकि इससे तो समाज का अस्तित्व है वही समाप्त हो जाएगा। अर्थात आर्थिक न्याय के अंतर्गत यह है कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरे, मूलभूत आवश्यकताएं सभी की पूरी हों। हम यूँ तो आर्थिक समानता की बात, आर्थिक न्याय के अंतर्गत हम देखते हैं कि समान कैसे किया जा सकता है। समान होने का मतलब ये है कि गरीब और अमीर को के अंतर को कम किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको मिटाया नहीं जा सकता है। यानी कि गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतर है, उसकी जो बीच की खाई है, उसको हम कम कर सकते हैं। यही एक तरह से आर्थिक न्याय है, इसके लिए हम काफ़ी प्रयासरत हैं भारत का संविधान। दूसरा है सामाजिक न्याय। धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि स्वदेश अपने दोस्त के साथ घर आता है या गांव आता है, तो गांव के एक होटल में वो चाय पीने की इच्छा करता है, तो स्वदेश तो उसी गांव का है, इसलिए गांव का होटल मालिक उसको जानता है और चाय एक सुंदर कप में देता है, जबकि उसके दोस्त की जाति पूछ कर, क्योंकि वो दलित था, जाति पूछ कर उसको कुल्हड़ में चाय देता है। तो ये एक तरह से भेदभाव है, यानी कि सामाजिक न्याय नहीं है, समाज में उसके साथ भेदभाव किया गया है। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष समझकर भेदभाव किया जाए, वो भी एक तरह से सामाजिक न्याय नहीं है। जैसे कोई सार्वजनिक स्थल, कुआं, चारागाह या कोई अन्य सार्वजनिक तालाब, कुआं, चारागाह, जो भी कोई मैदान, सार्वजनिक स्थल, कुआं वगैरह जो भी है, तो वहाँ पर किसी जाति के साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो वो सामाजिक अन्याय है। तो इसी सामाजिक अन्याय को मिटाने के लिए भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना के आदर्श को अपनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी आधार, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति, नेक्स्ट इसकी न्याय का प्रकार है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला जो न्याय है वो राजनीतिक न्याय है, जैसे वोट देते समय कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे माना न्यूनतम 18 वर्ष उम्र है वयस्क मताधिकार की, तो उसमें सभी व्यक्ति जो शामिल हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, ये सब राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन हैं। तो भारत के संविधान में राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं। जब किसी व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में न्याय नहीं मिलता है तो वह राजनीतिक अन्याय का शिकार होता है। तो इसी राजनीतिक अन्याय को मिटाने के लिए भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके विस्तृत रूप में बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के साथ ही बंधुत्व है, यानी कि भाईचारे का भाव और समानता का भाव भी इसमें दर्शाया गया है, यानी कि सभी नागरिकों को समान माना गया है, सभी नागरिकों को बंधुता के हिसाब से, यानी कि भाईचारे के भाव से रहने का संदेश दिया गया है। भारत का संविधान के प्रस्तावना के घोषणात्मक भाग, वितरणात्मक भाग और उद्देश्यात्मक भाग, यानी कि तीन भागों में इसको बांटा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तीन भागों में बांटा गया है, उद्देश्यात्मक भाग, घोषणात्मक भाग व विवरणात्मक भाग। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रस्तावना के बाद में भारत के संविधान का मूल्यांकन। भारत के संविधान के मूल्यांकन की बात करें तो भारत का संविधान एक विस्तृत और विशाल संविधान होने के साथ हमें इस संविधान की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, कुछ का कहना है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कि भारत का संविधान है
वो एक तरह से कहीं से कौन सी चीज़ ले रहा है, जैसे ब्रिटेन से विधि का शासन वगैरह, इसी प्रकार न्याय पुनरालोकन अमेरिका से, इसी प्रकार फ्रांस से बंधुत्व या समता का सिद्धांत, कहने का मतलब यह है कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, सोवियत संघ थे मूल कर्तव्य, तो इस प्रकार संविधान संशोधन की विधि दक्षिण अफ्रीका से, तो भारत का संविधान उदार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान को बनाने के लिए विभिन्न देशों से विभिन्न पहलुओं को ग्रहण किया गया है, इसलिए भारत के संविधान को बेमेल तत्वों का जमावड़ा या वकीलों का स्वर्ग या एक तरह से भिखारी का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान निर्माताओं ने, भारत के संविधान को बनाने वाले लोगों ने बहुत सी चीज़ें दूसरे देशों से उधार ली हैं, इसलिए भारत का संविधान एक तरह से वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, भानुमति का पिटारा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस प्रकार इसके बारे में कहावतें प्रसिद्ध हैं। तो भारत के का संविधान अपने आप में आलोचनाओं का शिकार होने के बाद भी महत्व रखता है और इसमें समय के हिसाब से अपने आप को बदलने की शक्ति है, इसलिए आज ये जीवंत उदाहरण है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें जीवित प्राणी की तरह गतिशीलता गुण पाया जाता है। जब भी आने वाली पीढ़ियां कुछ बदलाव चाहती हैं तो इसमें बदलाव हो जाता है। और भारत के संविधान की बात करें अपन तो देखिए, इसमें जब भारत का संविधान बना था मूल रूप से, उस समय की पहला जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, और 1951 के बाद में इसमें 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो गए, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि भारत का संविधान आने वाली पीढ़ियों के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, अर्थात आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से चल रहा है, इसलिए भारत का संविधान आज जीवंत है और एक जीवन दस्तावेज जिसे कहा जाता है। और आज इसका तख्तापलट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने अपने आप को समय के हिसाब से बदल लिया।